हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर लाइव बूस्टर चैनल। दोस्तों, योर लाइव बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बालिका अनुदान योजना 2020 के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इसके साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि जो जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, बालिका अनुदान योजना की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश में गरीबी रेखा से नीचे आने वाली बीपीएल श्रेणी के परिवार की बेटियों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई थी। इस योजना के अंतर्गत देश के बीपीएल श्रेणी की परिवार के अधिकतम 2 बेटियों के विवाह के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, तथा सामान्य श्रेणी के बीपीएल परिवारों को की विधवा महिलाओं की 2 बेटियों के लिए जो है दोस्तों एक मुश्त जो है 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता की राशि प्रदान की जाएगी। यह योजना देश के गरीबी परिवारों की बेटियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इस बालिका अनुदान योजना 2020 के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले बीपीएल परिवार अपनी बेटियों की शादी सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करके आसानी से कर सकते हैं। देश की केंद्र सरकार इस योजना के जरिए बेटियों का जीवन स्तर सुधारना चाहती है। तो दोस्तों, PMVAY 2020 के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि बालिका के 18 वर्ष के पूरा होने के बाद विवाह के समय दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली 50,000 रुपए की धनराशि सीधा बालिका के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसलिए बालिका का बैंक खाता होना अनिवार्य है और बैंक खाता किसी सरकारी बैंक में होना चाहिए, तथा बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। PMVAY 2020 का लाभ बालिकाओं को तभी मिलेगा जब अन्य योजना का लाभ नहीं ले रही होंगी। इस योजना के तहत लाभार्थी को दिए जाने वाला लाभ बेटियों के विवाह के में उपयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना जो है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे आने वाले बीपीएल परिवार जो है आर्थिक रूप से काफी कमजोर होते हैं और वो बेटियों की शादी करने में उनको दिक्कत होती है। इस कारण कई बेटियों की शादी हो भी नहीं सकती है, तो इस योजना का वो लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा देश के बीपीएल श्रेणी के परिवारों के अधिकतम बेटियों के विवाह के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस बालिका अनुदान योजना 2020 के अंतर्गत सामान्य बीपीएल श्रेणी की विधवा महिलाओं की बेटियों के विवाह के लिए 50,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत विवाह के समय बेटी के 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। कानूनी तौर पर गोद ली गई बालिका को प्रथम बालिका मानते हुए इस योजना के तहत लाभ पहुंचाया जाएगा। इस योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर बीपीएल श्रेणी की बेटियों को ही दिया जाएगा। अगर लाभार्थी ने पहले से लाभ नहीं लिया हुआ है बालिकाओं की शादी के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, जैसे कि शादी शगुन, तो इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। ऐसे तो इसके तहत एक ही बेटी को इसका लाभ दिया जाता है, लेकिन अगर दूसरी संतान भी लड़की है और दोनों संतान लड़के हैं तो दूसरी को भी इसका लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता, शादी का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बेटी का आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आइडिया अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे।